हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुड़हल की कटिंग को लगाने का सबसे आसान तरीका। गुड़हल ऐसा प्लांट जिसके ऊपर पूरा साल भर फूल आते रहते हैं, और जिस प्लांट की आज हम कटिंग लगाएंगे वो डबल पैटर्न वाले फूल का प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर जो फूल आते हैं वो डबल पैटर्न में आते हैं और काफ़ी बड़े बड़े फूल इस प्लांट के ऊपर आते हैं, कटिंग भी इसकी आसानी से लग जाती है। गुड़हल की कटिंग वैसे फरवरी महीने में जब हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं तब भी लग जाती है, और रेनी सीजन में तो हर प्लांट की कटिंग आसानी से लग जाती है। तो आज की वीडियो में हम गुड़हल की कटिंग लगाएंगे इसी प्लांट की जिसके ऊपर डबल पैटर्न वाले फूल आ रहे हैं। कटिंग हमने ऐसे प्लांट की लेनी है जो प्लांट हेल्दी हो और जिसके ऊपर ना कोई फंगस का अटैक हो ना ही उसके ऊपर किसी मिलीबग वगैरह का अटैक हो, ऐसे प्लांट की कटिंग हमने लेनी है। कटिंग लेते समय हमने ये ध्यान रखना है कि जो भी कटिंग हम लेंगे वो थोड़ी मैच्योर होनी चाहिए। जैसी ये वीडियो में दिख रही है इस तरह की कटिंग हमने लेनी है, जो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ही ज़्यादा हार्ड हो, पेंसिल की थिकनेस के बराबर हमने कटिंग लेनी है। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 कटिंग लेनी है। एक कटिंग ले ली है मैंने, इसी से 4 या 5 कटिंग बना लूँगी मैं। ये जितनी भी कटिंग ली है इन सब की हमने पत्तियाँ रिमूव कर देनी है। तो ये कटिंग्स बनके तैयार हो गई। ये जितनी भी कटिंग ली है इनको हमने 45 डिग्री के एंगल में कट कर दिया है। ये देखिए, यहाँ से 45 डिग्री के एंगल में कट किया है। तो अब हमने इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करनी है। यहाँ पे मैंने एक गमले में वेल ड्रेन मिट्टी पहले से ही तैयार कर रखी है। इसमें 50% गार्डन सॉइल है और 20% इसमें कंपोस्ट मिलाया है और 30% इसमें रेत है। तो ऐसी जो मिट्टी है ये वेल ड्रेन होती है, इसमें पानी नहीं रुकता है। तो इस तरह की मिट्टी हमें कटिंग लगाने के लिए तैयार करनी है। जैसे ही मिट्टी बनके तैयार हो जाए उसके बाद हमने एलोवेरा जेल लेना है, और जितने भी कटिंग ली है हमने उनको एलोवेरा जेल में डिप करने के बाद गमले में लगा देना है। गमले में हमने कटिंग को इस तरह से लगाना है कि इसके कम से कम 2 नोड एरिए मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए। अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो इसमें हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं और शहद का यूज़ भी कर सकते हैं, शहद जिसको कि हम हनी बोलते हैं। इनसे भी काफ़ी अच्छे से रूटिंग हो जाती है और हर कटिंग आसानी से लग जाती है। यहाँ पे हमने सारी कटिंग लगा दी है, और कटिंग लगाने के बाद हमने एक बर्तन में हल्दी लेनी है, और जहाँ जहाँ से भी हमने ऊपर से ये कटिंग कट की है वहाँ पर हमने हल्दी लगा देनी है। हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। हल्दी लगाने से हमारे जितनी भी कटिंग है वो ख़राब भी नहीं होती, ना ही इसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन होता है। तो हल्दी ज़रूर लगानी चाहिए ऊपर से। जैसे ही हम कटिंग को लगाते हैं तो इसको हमें 2 या 3 दिन के लिए छाया वाली जगह पर रख देना है, और जितनी भी कटिंग है हमारी हिलनी नहीं चाहिए। अगर हमारी कटिंग जरा सी भी हिल गई तो ये सूख जाएगी। तो जब भी इसमें पानी डालना हो तो या तो इसकी मिट्टी पे ही पानी डालना है कि इसकी मिट्टी को ही गीली करना है, या हल्के हाथों से डालना है, कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। तो आप भी इसी तरह से गुड़हल की कटिंग लगाइए, और 2 या 3 महीने में जब ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए बड़े गमले में। तो आज की वीडियो में हमने हिबिस्कस की कटिंग लगाना सीखा।